आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। बाल दिवस के अवसर पर दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए टॉय ट्रेन की स्पेशल राइड का आयोजन किया गया। सिलगुड़ी से रोहतांग तक की 18 किलोमीटर की इस यात्रा का बच्चों ने जमकर आनंद उठाया। इस टॉय ट्रेन का सफ़र करना इन दिव्यांग बच्चों के लिए कई मायनों में सुखद एहसास का अनुभव करा रहा था। मुझे बहुत अच्छा सफर हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट बार हम लोग टॉय ट्रेन में चढ़े। टॉय ट्रेन का सफर आपने कभी किया? नहीं किया है, ये फर्स्ट बार। अच्छा, कुछ मजा आ रहा है? मतलब किस तरह से आनंद उठा रहे हो आप लोग? टॉय ट्रेन में बैठे हुए हो आप, ट्रेन में क्या क्या हो रहा है? ट्रेन में कैसा क्या क्या आप लोग कर रहे हो? बहुत आनंद कर रहे हैं। राइड के दौरान बच्चे काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। इन बच्चों के लिए यह एहसास अनुभव था कि जैसे इनके सपने साकार हो गए हों। पहली बार मेरा बहुत अच्छा लग रही है। सब लोग के साथ आनंद कर ले करने के लिए। टॉय ट्रेन तो यूनिक है और हेरिटेज भी है इस रीजन में। और आपने जैसे कहा कि पहला बार आप लोग राइड कर रहे हो, तो ये क्या एक्स्ट्रा कुछ अनुभव है? चिल्ड्रंस डे पहले कभी ऐसा मनाया था? हाँ, ऐसे तो चिल्ड्रंस डे मनाए थे, लेकिन मतलब टॉय ट्रेन पे नहीं, ऐसे ही। तो बैठ के क्या क्या कर रहे हो आप लोग टॉय ट्रेन पे जब ट्रेन चल रही है? इसे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे यानी टॉय ट्रेन के ऐतिहासिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया हुआ है। इसे बढ़ावा देने के लिए हिमालय रेलवे की तरफ से 4 दिन धूम फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है।